आज मार्केट में जैसे मैंने बताया एड एंड शोल्डर पैटर्न का जो हमारा सपोर्ट लेवल था 17,850, उसको तोड़ने पर नीचे एक साइड खुलने का चांसेस था, और उसी की तरह ही मार्केट में आज डाउन ट्रेंड ओपन हुआ। गैप डाउन का एक्सपेक्टेशन नहीं था, फिर भी बहुत अच्छा गैप डाउन है। ओके, तो अभी अगर देखेंगे तो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। 15 मिनट के चार्ट में क्लियरली दिखाई दे रहा है कि प्राइस अगर ये लो तोड़ता है अराउंड, ये एक मेजर सपोर्ट है। आवरली कैंडल चार्ट में अगर देखेंगे 200 मूविंग एवरेज एक सपोर्ट है, और दूसरा जो सपोर्ट है हमारा 17,570 का बोल सकते हैं। तो प्राइस डायरेक्ट नहीं यहाँ पे आएगा, पहले एक पैटर्न बनाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना रहा है, पैटर्न को ड्रॉ करना और पैटर्न को समझना थोड़ा टाइम टेकिंग है। क्या है, पहले पैटर्न्स को हम क्या करना है, देखिए जैसे कि यहाँ पर एक पैटर्न बना, क्या बना यहाँ पे, राइजिंग वेज बना, लेकिन जब तक नहीं बन रहा था तो हमारा क्या इंटेंशन रहा होगा, जैसे कि ये हाई तोड़ा यहाँ पर सब ने बाय एंट्री किया होगा, ठीक है। उसी तरह जब भी कभी लो तोड़ता है तो एक नया लो बनाता है, लेकिन ये नया लो बहुत गिरने के लिए बनाया है या नया लो हमारा एक पैटर्न बना के लिए बनाया है, मतलब यहाँ से अगर तोड़ेगा तो 100-150 पॉइंट नीचे आ सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर भी एक फॉलिंग वेज बनाए। तो मार्केट में मॉर्निंग में क्या होता है, मॉर्निंग में ट्रेंडिंग मार्केट मिलता है, तो ऐसे कंटिन्यूसली रैली मिलते हैं, लेकिन 10:30 से 12 बजे के बीच में क्या होता है, एक पैटर्न क्रिएट होता है। उस पैटर्न के दौरान आप अगर ट्रेड लेते हो सकता है स्कैल्पिंग में आप पैसा कमा लो, लेकिन ट्रेंडिंग मार्केट ढूंढोगे तो उतना पैसा नहीं मिलेगा आपको। जैसे कि यहाँ पे प्राइस में डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। नीचे के साइड में अगर मैं देखूँ तो मैं ऐसे अभी के लिए ड्रॉ कर सकता हूँ, 5 मिनट चार्ट में मुझे क्लैरिटी के साथ मिलेगा ये कि हाँ ये पैटर्न बना रहा था और यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ, ठीक है, ये एक एंट्री लेवल है। और RSI अगर देखेंगे तो यहाँ पे ब्रेक नीचे की साइड में ब्रेकआउट हो रहा है। तो यहाँ पर अगर ट्रेड लेते हैं तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेंगे। अभी 17,657 है, 75 है, RSI ने सेल दे दिया है, आरून इंडिकेटर ने सेल दिया है, तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब तक ये लो नहीं तोड़ता कन्फर्मेशन ट्रेड नहीं हो सकता, तो छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे। फ्यूचर अगर इस पैटर्न के अंदर आ जाता है तो हमको क्या करना है, लॉस बुक करना है। उसी तरह आपको नया लेवल ढूंढना है कि कहाँ तक जा सकता है। देखिए प्राइस अगर इसको ब्रेकआउट किया है ना तो यहाँ से गिर नहीं जाएगा, यहाँ से ऐसे आएगा, ऊपर जाएगा, फिर जाके नीचे एक ट्रेंड देगा। प्राइस हमेशा 200 मूविंग एवरेज इस सबको सपोर्ट में लेके ही प्राइस गिरेगा। देखो बढ़ रहा है, अभी ऊपर जाएगा उसके बाद नीचे आएगा, और सिंपली यहाँ पर भी अगर देखेंगे तो एक एम पैटर्न बना रहा है, ठीक है। और भी अगर कन्फर्मेशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, ये बना सकते हो, ये पैटर्न को जैसे ही तोड़ेगा एंट्री कर सकते हो। ट्रेड हमेशा नहीं लेना है, कभी कभार ट्रेड को छोड़ना है। अभी 12:01 यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मिलने का संभावना कम है। देखिए अभी मैं दिखा रहा था RSI 40 तोड़ा है और अभी रिटर्न होने के लिए रेडी है, अभी ट्रेंडिंग मार्केट नहीं है। ट्रेंडिंग मार्केट अगर होगा तो वॉल्यूम में आपको देखने के लिए मिलेगा, बहुत अच्छा वॉल्यूम, ठीक है, यहाँ से रिट्रेस होगा और यहाँ से फिर से गिर सकता है, नया लो बना सकता है। लेकिन अभी अगर देखें प्राइस में डाउन ट्रेंड बना और नया लो, ये लो को नहीं तोड़ पाया, तो ये क्लियर सिग्नल दे रहा है कि मैं अभी रैली मार्केट नहीं देने वाला। अभी क्या होगा, प्राइस में ऐसा कुछ पैटर्न बनाएगा, अप एंड डाउन, ठीक है। तो सेफ ट्रेड कब होगा, सेफ ट्रेड जब ये लोस तोड़ेगा तब हम एंट्री कर सकते हैं। अगर गिरने के वक्त भी प्राइस अगर बहुत स्ट्रगल कर रहा है तो गिरेगा नहीं, बढ़ने के वक्त भी अगर स्ट्रगल कर रहा है तो बढ़ेगा नहीं। बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी भी डाउन ट्रेंड में था, अभी फिलहाल क्या हो रहा है, यहाँ पर भी एक पैटर्न बना रहा है, ये कर सकते हैं पैटर्न।
ये हो सकता है पैटर्न, ठीक है। लेकिन अभी ट्रेंडिंग मार्केट आपको नहीं मिलेगा, आप अगर ऐसे जगह पे एंट्री करते हो तो थोड़ा सा प्रॉफिट मिलेगा। ये लो तोड़ पाएगा या नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन स्कैल्पिंग के लिए आप काम कर सकते हो। एक एक लॉट में आउट ऑफ द मनी इन द मनी में 500,000 का ट्रेड ले सकते हो ऐसे पैटर्न ब्रेकआउट। लेकिन लंबा ट्रेड 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 3,000 रुपये कमाना चाहोगे तो नहीं कमा पाओगे। आपको 30 पॉइंट का अप एंड डाउन दे रहा है अभी मार्केट, समझ में आ रहा है ये सर? नो, ठीक है। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।